इंदौर में टाट पट्टी बाखल में लिए गए 82 नमूनों में से 16 के पॉजिटिव आने के बाद आज इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह टाट पट्टी बाखल पहुंचे। उन्होंने यहां 300 मीटर के एक विशेष एरिया को सील करने की बात कही। कलेक्टर की माने तो इस एरिया में सबसे ज्यादा संक्रमित लोग हो सकते हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम यहाँ पर लगाई जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह अपने घरों में रहें, अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां से वह 7 दिन में ठीक होकर बाहर आ सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह की कोई भ्रामक जानकारी में न आए और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का पूरा पूरा सहयोग करें। कलेक्टर ने कहा कि इलाके में मुफ्त साबुन की बट्टी या मानसिक लोगों को वितरित किए जाएंगे और उनकी यहाँ पूरी तरह से देखरेख की जाएगी। इसके अलावा इंदौर के मुंबई बाजार इलाके को भी 100% मैपिंग में लिया जा रहा है। कलेक्टर की माने तो पिछले दिनों शव यात्रा में जाने के बाद इलाके में और ज्यादा संक्रमण फैलने की संभावना है। वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि वह अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नमस्कार, मैं चिराग सजेवाली हूं। हमारे सांसद महोदय शंकर अलवानी जी, रमेश वेंदोला जी विधायक, समाज के ऊपर बहुत कम ऐसा समय आता है जब कुछ लोगों की परीक्षा की घड़ी होती है, और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इस समय आप लोगों ने जिस तरीके से काम किया है, यदि परीक्षा में, यदि मैं परीक्षक हूं तो ये कह सकता हूं कि 100 में से 100 नंबर दूं आपको, मैं सिर्फ आपको अप्रिशिएट करने के लिए आया हूं, आपका जो मनोबल है वो बढ़ाने आया हूं, क्योंकि इस समय में जब कोरोना के नाम से लोग घबरा रहे हैं, पेशेंट को हाथ नहीं लगा रहे हैं, आप सब देवदूत बनकर उनकी सेवा कर रहे हैं, रात दिन सेवा कर रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, अपने परिवार के पास नहीं जा रहे हैं, अपने घर नहीं जा रहे हैं, ये आपकी एक तपस्या है, और इस तपस्या के कारण मरीज भी जल्दी ठीक हो रहा है। तो आपकी इस तपस्या को मैं प्रणाम करने आया हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सब विधायक और सांसद हैं, ये समझ लीजिए इंदौर नहीं पूरे देश की ओर से मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं, आपको प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि आप जिस तरीके से मेहनत करके लोगों की जान बचा रहे हैं और विशेषकर इंदौर को बचा रहे हैं, क्योंकि इंदौर ने हमको बहुत कुछ दिया है। कुछ लोग हैं जिनके बचपने के कारण, गलती के कारण आज इंदौर को थोड़ी सी ज्यादा सजा मिल गई। यदि सब लोग एक साथ एक दूसरे को सहयोग करते तो शायद ये नंबर्स भी नहीं आते। पर बहुत अच्छे तरीके से जिला प्रशासन ने, आप लोगों ने जिस तरीके से मेहनत करके और इस कोरोना के चुनौती को स्वीकार करते हुए सेवा की है, मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों से आपकी प्रशंसा करूं। सिर्फ हम लोग आपको प्रणाम करने आए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं एक बात और बता दूं कि आपकी अच्छी हेल्थ के लिए मैंने 21 ब्राह्मणों को महामृत्युंजय जाप के लिए लगा रखा है कि जितने भी लोग हैं जो सेवा में लगे वो स्वस्थ रहे, वो महामृत्युंजय जाप कर रहे 21 ब्राह्मण उत्कृष्ट हनुमान मंदिर में। तो सिर्फ आप लोगों के लिए लगाया कि आप सेवा कर रहे हैं, आप स्वस्थ रहे, आपको कुछ नहीं हो। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसीलिए हमारे सांसद जी रमेश जी हम सब आए थे, सांसद जी भी कुछ शब्द बोलेंगे। देखिए, जैसे कि कैलाश जी ने बताया, ये हम सब की पूरे शहर के लिए, पूरे देश में माननीय मोदी जी और हमारे पूरे नेतृत्व ने पहले दिन से ही कहा था कि हाँ वो लोग हैं जो सेवा में लगे हुए हैं। आपको ध्यान में लॉकडाउन के जब बाद में शाम को ताली बजा के और थाली बजा के आपके स्वागत के लिए पूरा देश खड़ा था, या आप जिस प्रकार सैनिक वहां सीमाओं में खड़े रहते उसी प्रकार आप सैनिक से कम नहीं हुए, आप भी यहां डटे हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो हम सब आपको मनोबल बढ़ाने के लिए आए, और जैसे कि खिलाड़ी जी ने कहा कि हम सब आपके साथ हैं, आप मरीजों की सेवा और जो इस प्रकार से पीड़ित उनकी जो सेवा कार्य कर रहे हैं, वास्तव में मानव धर्म है, जाति धर्म से ऊपर उठकर जो आप सेवा कर रहे हैं, वास्तव में आपको प्रणाम है। इंदौर की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस काम में लगे रहे, आपकी शुभकामना देखना नाम। चलिए डॉक्टर भंडारी साहब, आप और पूरी टीम को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं जो ये रिपोर्ट है पूरी ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास और अमित शाह जी के पास भिजवाऊंगा सीधे कि इंदौर में किस तरीके से अपनी जान की बिना परवाह किए हमारे डॉक्टर, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है, ये रिपोर्ट भी दूंगा। आप सबको एक बार पूरे इंदौर शहर की तरफ से और मेरी तरफ से प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर बोलते हैं ना कौन कौन से कल्पना जी आपको तो आपके थोड़े भी जब से पहचान करें अपने अपने नाम बता दो बेटा।